हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले धनी सर्विस लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन एक मोमेंटम देखने को मिल रहा था, जहां पर स्टॉक 85 पैसे की तेजी दिखाता हुआ नजर आया और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की रैली दिखा चुका है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे की एक सप्ताह में 0.5% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। 1 महीने में 4%, परंतु 3 महीने में इस स्टॉक में 1% की तेजी देखने को मिली है और 6 महीने में इस स्टॉक में 27% की गिरावट देखने को मिल रही है और 1 साल में इस स्टॉक में 7% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक में लगातार ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, परंतु लास्ट फ्राइडे के दिन इसे स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम देखने को मिला अराउंड 71 रुपीज। 71 रुपीज का इस स्टॉक में हाई बॉटम देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टॉक का नीचे का एक लो बनता हुआ नजर आया 24 रुपीज, जहां से ये स्टॉक अभी काफी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अराउंड 34 रुपीज, 34 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 45 रुपीज, 45 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।